हम टेक्नोलॉजी के उस दौर में रह रहे हैं जहां स्मार्टफोन के बिना एक पल बिताना भी मुश्किल हो जाता है। भारत में जल्द ही 5G सर्विसेज की शुरुआत भी हो जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी और लोग इंटरनेट से और भी ज़्यादा जुड़ जाएंगे। ऐसे में नोकिया के CEO पेका लंडमार्क ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल पेका लंडमार्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे, यही उन्होंने कहा कि 6G 2030 तक उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन तब तक लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल छोड़ चुके होंगे। नोकिया CEO ने कहा कि 6G के आने से पहले लोग स्मार्ट ग्लासेस और अन्य कनेक्टेड गैजेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सोचिए, आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि लोग एक क्लिक में दुनिया भर की सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती है और 8 साल बाद स्मार्टफोन के इस्तेमाल बंद हो जाने वाली बात थोड़ी चौंकाती ज़रूर है, लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी को और मजबूती से दर्शाती है। भारत अपनी खुद की 6G तकनीक पर काम कर रहा है। देश के IT मंत्री ने घोषणा की थी कि 2023 से 24 तक यह टेक्नोलॉजी तैयार भी हो सकती है। फिलहाल तो भारत अभी 5G के लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है और साल के अंत तक भारत में 5G घर घर पहुंचने का अनुमान भी है।